सबसे पहले तो इन दास के पास तो देने के लिए दुआ ही है, और क्या दे सकते हैं। और फकीर कहते हैं कि दुआ दरवेश की एक बार हो जाए तो मुमकिन है बंदे तेरा भी बेड़ा पार हो जाए। बहुत स्नेह है ये परिवार से, क्योंकि देखो कुछ लोग तो आते हैं दुआएं देने, पता नहीं फ़कीर कौन से रंग में आके दुआएं देके जाते हैं। बस हमारा काम भी दुआएं देना है, और इस परिवार के साथ आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से बड़ा स्नेह है, बड़ा आदर, बड़ा भाव से जुड़े हुए हैं। बाकी तो मालिक ने सबको बहुत कुछ बख्शा है, पर यहाँ पर आने की बस बात वही है कि जो उनका प्यार है, मैं देखता हूँ कोई इंसान ऐसे से ऊपर पहुँच जाता है तो अलग ही दुनिया में रहता है। पर इनको याद है कि इन फ़कीरों से क्या लूटना है, और जिनका नाम ही साईं से चलता है, मैं देखता हूँ हर प्रोजेक्ट में साईं के नाम से कड़ी जुड़ी है। तो बस हसन शाह दरबार है, साईं की दरबार से बहुत बहुत दुआएं हैं इनको, और बड़ी औज पर पहुँचे, और बड़ी औज पर पहुँचे, और जो भी रुके हुए कार्ज हैं साईं को अर्जी करेंगे इन बच्चों के रुके हुए कार्ज रास करें, और पूरे पैराडाइज ग्रुप को, हमारे मनीष जी को, अमित को, सब जो भी इनका ग्रुप है, हमारे विक्की को, सबको दिल से धन्यवाद। ऐसे कार्य करते रहें, लोगों का घर बनाते रहें, उनकी भी दुआएं लेते रहें। बाबा कहता हूँ करते हो तुम, नाम इस दास का और है, बस करने वाले तो वही है, साईं है, बस उनके कार्य से ही चलता है। बस साईं आगे भी यही साईं के दर पे विनती रहेगी कि बच्चों के कार्य आके खुद रास करें। मैं इनको बोलता हूँ बाबा आप लोग करें, जी नहीं हमें कुछ ताकत नहीं है करने की, करने वाला वो है जो हमसे करवा रहा है, और हम उनको भूले नहीं हैं। तो बस यही है, हम तो निमित्त हैं, हम नौकर हैं, उनकी नौकरी देने हमारे धनी सेठ तो वही है जो कार्य कर रहे हैं। तो बस वही बिल्कुल 10 तारीख को इस दास के बेटे का बर्थडे है, दिलवर साईं। हम सिंधियों की प्रथा है कि हम जो भी कार्य करते हैं हम झूलेलाल जी की जोत जगाते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य देव हैं। सबको पता है कि सिंधी है तो झूलेलाल के दास हैं, झूलेलाल के मुरीद हैं। तो बस यही कार्यक्रम है, 6 तारीख को हमारी जो भी दरबार की संगत है, यहाँ से तकरीबन 100 लोग चल रहे हैं साथ में वहाँ पे लाल साईं की जोत जगाने के लिए, और जो वहाँ पे कम्युनिटी जुड़ी हुई है हमारी सिंधी, तो जिधर की तरह हम सिंधियों में कहा थे चांद पर पहला दुकान खुलेगा तो वो भी सिंधी का खुलेगा, तो सिंधी तो जहाँ पर हाजिर नाजिर हैं और सिंधी रहते हैं तो वहाँ पे झूलेलाल जी की जोत जरूर रखती है। और हम दासों का सब काम करने वाले झूलेलाल ही हैं, तो बस वही आराध्य करने जा रहे हैं, भगवान को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं बस। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे न्यूज़ नेटवर्क का, जो भी वाशी के न्यूज़ नेटवर्क में क्या नाम लेके क्या लूँ, बस इनको भी बहुत सारी दुआएं के, और कुछ मेरे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। साईं का हाथ, बसड़ शाह दरबार का हाथ हमारे पास तब से है, हमारे परिवार के ऊपर तब से है, जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो इस दरबार के ही आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रही बात बुकिंग की, तो मैं बोलूँगा साईं का आशीर्वाद हमारे साथ हर दिन, हर वक्त, हर पल है, और उनके ही आशीर्वाद से हमारे पास बुकिंग, हमारी जो आज के जो ब्रांड बनी है, हमारा जो ये नाम बना है, ये सब उनके आशीर्वाद से बना है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, साईं ने हमें इतने अच्छे गुरु दिए हैं और उनके इतने नज़दीक रखा है, और यही कोशिश रहेगी कि उनके दिए हुए राह पर हम चले, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, और कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करें, और नो डाउट अपने कंपनी को भी आगे बढ़ाएँ, बट सोसाइटी को ज़रूर एक अच्छा सर्व करते रहें। तो हमेशा यही आशीर्वाद हम साईं से मांगते रहेंगे कि उनका हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही हाथ रहे और हमेशा ऐसे ही साथ रहे। बहुत ही बेहतरीन रहा BNM का ये एग्जीबिशन, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और काफ़ी सारा क्राउड हमें आते हुए दिख रहा है, और इन 4 दिनों में यहाँ बैठे हुए मौजूद हर एक बिल्डर ने कुछ ना कुछ बिजनेस किया है, कुछ ना कुछ लीड्स निकाली है, कुछ ना कुछ फनल बनाया है, और इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले 6 महीने तक आता रहेगा। और क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक हो चुका है, नवी मुंबई का मार्केट एक इतना डायनेमिक हो चुका है, और नवी मुंबई में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचर है अभी नवी मुंबई का ही है। तो ये BNM का एग्जीबिशन सबके लिए एक अच्छा साबित होगा, एक अच्छा बिजनेस लेके आएगा।